हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड द चैप्टर नेम इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, दैट इज चैप्टर 7 एंड टुडे वी विल रीड अ पार्ट 3 टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. बच्चों, ये स्टोरी है किसके बारे में? दो फ्रेंड्स के बारे में, प्रंजल और राजवीर के बारे में, जो कि क्लासमेट थे. प्रंजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर असम एंड प्रंजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वैकेशन. अब बच्चे, जो प्रंजल के फादर थे बच्चे, वो क्या थे? टी गार्डन में मैनेजर थे, जो कि अपर असम का रहने वाले थे वो. और प्रंजल ने राजवीर को क्या बच्चे इनविटेशन दिया था कि तुम हमारे घर आओ, इसका मतलब असम आओ और समर वैकेशन के दौरान. तो ये अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है बच्चे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, टी फ्रॉम असम. अब चैप्टर का नाम ही टी फ्रॉम असम है, तो असम टी के लिए बहुत फेमस है बच्चे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो मेजरली आती है असम से ही आती है टी. लेट स्टार्ट. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. ही केम अप विद देयर विंडो एंड आस्क, चाय साहब गिव अस 2 कप्स, प्रंजल सेड. अब बच्चे, एक वेंडर मतलब सेलर, चाय बेचने वाला आया बच्चे. जैसे कि वो रेलवे स्टेशन पे आते हैं, आवाज मारते रहते हैं चाय गरम गरम चाय, तो वो भी आवाज मार रहा बच्चे, चाय गरम गरम चाय, और जोर जोर से मार रहा है वो. वो हमारी विंडो पे आया और उसने पूछा बच्चे किसे, प्रंजल से, चाय साहब आपको चाहिए? प्रंजल ने क्या कहा? 2 कप हमें दे दो चाय. दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, दे सिप्ड स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, की गर्म चाय थी बच्चे, भाप निकल रही थी जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो उसमें से. और हर एक कोई, ज्यादातर लगभग हर आदमी कंपार्टमेंट में ट्रेन की चाय पी रहा था. तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चे, पॉपुलैरिटी पता लग रही है चाय की कितनी है, कि पूरा कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे बच्चे. डू यू नो डेट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर बोलता बच्चे कि क्या तुम्हें पता है प्रंजल, 80 करोड़ चाय के कप रोज की रोज पिए जाते हैं पूरी दुनिया में. तो अब इससे पता लग रहा है बच्चे कि कितनी फेमस है टी, कि रोज इतना कंजप्शन होता है उसका ओवरऑल द वर्ल्ड. यू एक्सक्लेम्ड प्रंजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब बच्चे, एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राइड आउट सडनली इन अ सरप्राइज, हैरानी में कुछ बोलना. अब प्रंजल ये बात सुन के, 80 करोड़ है, 80 करोड़, ये सुन के बच्चे क्या हो गया, हैरान हो गया. फिर वो क्या कहता है कि टी रियली पॉपुलर, की टी इतनी पॉपुलर है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था यार. और इसी के साथ बच्चे उनकी ट्रेन भी स्टेशन से निकल पड़ती है उनकी डेस्टिनेशन की ओर. प्रंजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज अ नीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. अब बच्चे, आर्डेंट क्या होता है? बहुत ही एंथुजियास्टिक या पैशनेट, किसी चीज को बहुत पसंद करना, तो उसे बोलते हैं आर्डेंट. नीनर क्या होता है बच्चे? किसी चीज के लिए बहुत उत्सुक होना बच्चे, जो एक्सट्रीमली ईगर हो किसी चीज के लिए पर्सन. तो बच्चे क्या कह रहे हैं, प्रंजल जो था उसने फिर से अपना नाक किस में घुसा लिया, डिटेक्टिव बुक्स में. नाक घुसाना मतलब असलियत में नाक नहीं घुसा लिया, इसका मतलब फिर से पढ़ने लगा. वो पहले भी पढ़ रहा था, फिर चाय पीने के बाद दोबारा पढ़ने लग गया. राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरी बहुत पसंद थी, आर्डेंट फैन का मतलब बहुत पसंद थी बच्चे उसे. और इसी मोमेंट में बच्चे वो उसे बहुत ही उत्सुक भी हो रहा था, जो कौन था बच्चे, राजवीर था. वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी भी देख रहा था, क्योंकि वो प्लेन एरिया में रहता था, उसे ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिली थी कभी. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैज नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अप टू टी बुशेस. पैडी क्या होता है बच्चे? फील्ड वेयर राइस इज ग्रोन, जहां पे चावल की उगाई होती है उस खेत को क्या बोलते हैं? पैडी बच्चे.
और वो क्या कह रहा है, उसको चारों तरफ बच्चे राजवीर को क्या दिख रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, हरा भरा दिख रहा है बच्चे, क्योंकि जो पैडी की बच्चे फसल होती है चावल की वो ग्रीन हो जाती है बहुत ही, और चारों तरफ ग्रीनरी फैला देती है। उसने राजवीर ने आज से पहले इतनी बच्चे हरियाली कभी नहीं देखी थी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो दिल्ली का रहने वाला है, बच्चे लोकल दिल्ली का रहने वाला है, वो पहाड़ियों इलाकों में नहीं रहता, तो उसने कभी भी इतनी हरियाली इकट्ठे नहीं देखी। तो वो देख के हैरान है और उसको बहुत मजा भी आ रहा है, इतना अच्छा क्या सीनरी देखे, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो नेचुरल सीनरीज बन रही है। और अब वो क्या बच्चे, जो सॉफ्ट ग्रीन पैड़ी के खेत थे बच्चे, इतनी ग्रीनरी शो कर रहे थे, अब वो देखते देखते आखिर में किस में एंड हो जाता है, टी बुशेस क्या वो शुरू हो जाते हैं, टी के खेत शुरू हो जाते हैं बच्चे। इसका मतलब असम में वो उनकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि असम बच्चे किसके लिए, टी के लिए बहुत फेमस है। तो अब वो, उसने कभी भी बच्चे इतनी ग्रीनरी देखी थी, अब वो सरप्राइज है और बहुत खुश भी है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत ही सुंदर, एलोबरेट और इम्प्रेसिव व्यू होना बच्चे, कि इतना सुंदर और विविध क्या था बच्चे, दृश्य था, वो देख के बच्चे बहुत ही खुश और चौंक गया था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, बच्चे वो क्या कह रहे हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, लाइव बिहाइंड, बैकड्रॉप क्या होता है, जो पीछे होता है बच्चे, बैकड्रॉप पीछा क्या बना हुआ था बच्चे, उनके वुडन हिल्स थी, इसका मतलब पहाड़ियों का क्या बैकड्रॉप बना हुआ था, और उसके आगे बच्चे क्या बह रहा था, कई नदी सी बह रही थी टी बुशेस की, टी के पेड़ों की, ड्वार्फिंग द टी टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज अमिडिस्ट द ओडली रोज ऑफ बुशेज एंड बुशली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। ड्वार्फिंग का मतलब होता है बच्चे छोटा दिखना, और बहुत ही ज्यादा छोटा दिखना, इनसिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा दिखना, टॉल का मतलब बहुत ही लंबा और मजबूत चीज, एमिडिस्ट का मतलब बीच में, किसी चीज के बिल्कुल बीच में खड़ा होना और सराउंडेड बाय समथिंग, तो इसे बोलते हैं एमिडिस्ट, की किसी चीज के बीच में खड़ा होना। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, जो क्या थे टी प्लांट्स थे बच्चे, वो किसके बीच में खड़े थे बच्चे, सॉरी वो किसको सराउंड कर रहे थे, एक ट्री को, शेडी ट्री को कर रहे थे, जो कि बहुत ही लंबा था बच्चे, ऐसे लंबा था और शेड भी थी उसका, इसका मतलब घना भी था, वो बहुत चारों तरफ छाया भी दे रहा था, तो वो बीच में खड़ा था और चारों तरफ देखो जैसे बना के दिखा रहा हूं, चारों तरफ क्या थी बच्चे उसके, टी की जो पौधे थे, तो जिसके कारण वो इतना लंबा था, उसके कंपैरिजन में जो टी के बच्चे पौधे थे वो बहुत छोटे लग रहे थे, ड्वार्फ लग रहे थे, कि एक तो होते ही छोटे हैं और एक बड़ी चीज के सामने हम जब छोटी चीज रखते हैं तो वो और छोटे दिखती है, तो पेड़ों के सामने वो और भी छोटे लग रहे थे, और भी ड्वार्फ लग रहे थे बच्चे, क्योंकि जो पेड़ था वो बहुत ही लंबा था और वो बहुत ही वो भी कर रहा था। अब ये डॉल लाइक फिगर्स कौन सी है बच्चे, और डॉल लाइक फिगर्स उसमें से निकलती हुई दिख रही है, जो टी प्लकर्स है, जो चाय के पत्ते तोड़ रही है बच्चे, वहां पे तोड़ रहे हैं लोग, उनको क्या बोला है, डॉल लाइक फिगर्स, कि वो बीच में से ऐसे लग रहा है जैसे गुड़िया सी क्या चल रही हो इन टी की बुशेस के बीच में, टी के पौधों के बीच में, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, टी की प्लक कर रही है, इसका मतलब टी की पत्तियां। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बिलोइंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना बच्चे एक अलग से मोशन में, तो जैसे आप स्मोक देख रहे हो तो इस मोशन में स्मोक बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं बिलोइंग। चिमनी क्या होता है, चिमनी बच्चे एक पाइप होता है जो कि अंदर से घर के अंदर से बाहर घर के क्या निकालता है, धुआं वगैरह निकालता है, जैसे आपने किचन में भी देखा होगा, आपके किचन में भी लगी होती है बच्चे चिमनीज अलग अलग, जो कि किचन का जो स्मोक होता है वो घर से बाहर निकालने में मदद करती है, तो उसे बोलते हैं चिमनी बच्चे। और कुकिंग वगैरह के टाइम ही हम चिमनी यूज भी करते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिकल भी बच्चे आ गई है, पहले मैकेनिकल होती थी चिमनीज, तो आजकल इलेक्ट्रिकल भी चिमनीज आ गई है, वो क्या करती है सारा स्मोक घर से बाहर निकाल देती है। तो वो क्या कह रहे, थोड़ी दूर पे उन्हें क्या दिख रही थी, अगली बिल्डिंग दिख रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बच्चे, और जिसमें से क्या वुड जलने की वजह से क्या धुआं ही धुआं निकल रहा था फर्नेस में से, उसके ऊपरली भाग में से, इसका मतलब जो चिमनी बना होता है एक पार्ट निकला होता है बच्चे, जैसे आप पिक में देख रहे हो
एक पार्ट निकला होता है बच्चे ऊपर से घर के, जिसमें से सारा धुआं निकल रहा होता है। तो कह रहे थोड़ी दूर में इतने खूबसूरत नजारे के बीच में एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग खड़ी थी, जिसमें से क्या निकल रहा था बच्चे, धुआं निकल रहा था उसकी चिमनीज में से, जैसे आप पिक में देख रहे हो। तो अब वो कह रहे इतना सुंदर दृश्य था, बट इसने क्या बदसूरत बना दिया इस पुरानी सी बिल्डिंग ने। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। प्रंजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब बच्चे जो बच्चे ये है कौन है, प्रंजल है, वो आसाम में ही पैदा हुआ है, आसाम में ही पला बड़ा है। तो अब जो राजवीर होता है वो दिल्ली से आया, वो देख के एक्साइट हो जाता है, कहते हैं टी गार्डन, टी का गार्डन देख के भाई बार बार जैसे बच्चे कहते हैं एक्साइट हो जाता है। बट जो प्रंजल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से ही इनके बीच में रहा है बच्चे। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, टी कंट्री है, कंट्री का मतलब देश नहीं बच्चे, इसका मतलब टी कंट्री है, देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टी ग्रोन होती है और असम में दुनिया की सबसे ज्यादा टी की प्लांटेशन होती है और तुम बहुत सारे गार्डन्स देखने वाले हो, अभी तो शुरुआत हुई है, इतने तुमने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जितने अब आप देख लोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। लेजेंड्स मीनिंग बच्चे टेल्स, स्टोरीज, कहानियां। तो अब बच्चे किससे रिलेटेड, चाय से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ पढ़ा, राजवीर कह रहा है चाय के बारे में, बट किसी को भी नहीं पता जो टी कब डिस्कवर हुई। कि मैंने बहुत कुछ लिखा तो हुआ टी के बारे में भी, बट कोई भी जो स्टोरीज है वो क्लियर नहीं बताती कि टी कहाँ से डिस्कवर हुई। कहानियां बहुत है जो कि मेरे को पता है और मैं तुम्हें चलो सुनाता हूँ प्रंजल एक आधी कहानी। What legends? Well, there's one about the Chinese emperor. वो कह रहे कि कौन सी कहानी है प्रंजल। अब जो बेटा राजवीर है वो क्या कह रहा है बच्चे, एक तो किसके बारे में, चाइनीज एम्परर के बारे में है। Who always a boil water before drinking it? Chinese emperor का मतलब क्या था, स्वान रूलर ऑफ एन एम्पायर, बच्चे राजा, एक चाइना का किंग था बच्चे, राजा किंग कह लो, तो किंग था बच्चे जो कि हमेशा पानी उबाल के पीता था। एक ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक राजा था चाइना में रहने वाला जो कि पानी हमेशा उबाल के पीता था। तो उसने भी एक कहानी ये फेमस है कि उसने भी डिस्कवर की। तो उसके साथ क्या हुआ, एक दिन वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वॉटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, इट इज सेड दे वर टी लीव्स। अब बच्चे क्या कहा, ट्विग्स का मतलब क्या होता है, वुडी शूट ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री, छोटी छोटी टहनिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसने टहनिया एक बार जला रखी थी उसी राजा ने, वो हमेशा पानी गर्म करके पीता था ना, तो अपनी पोट के नीचे वो टहनिया चला रखी थी जिससे वो आग बन रही थी और आग के कारण पानी गर्म हो रहा था। तो गलती से क्या हुआ बच्चे, थोड़ी सी थोड़ी बहुत लकड़ियां जो टूस की थी बच्चे, जो नीचे जल रही थी, पानी में गिर गई और पानी में गिर के वो पानी के साथ उबल गई और वो बहुत ही टेस्टी उसका फ्लेवर आया और जिसे बाद में बोला गया कि ये टी की लीव्स है, चाय की पत्तियां है बच्चे। तो ये एक कहानी है कि जो कि एक्सीडेंटली चाइनीज ने क्या किया बच्चे, किंग ने इन्वेंट की। टेल मी अनदर स्कोफ्ड प्रंजल, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। स्कोफ्ड का मतलब मॉकिंग अवे बच्चे। उसने जल्दी से उत्सुकता में प्रंजल ने बोला कि दूसरी कहानी सुनाओ, दूसरी कौन सी है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि हमारे पास एक इंडिया की कहानी भी है, इंडिया जो में ओरिजिन है, जिसकी वजह से चाइनीज ओरिजिन था इस कहानी का। बोधिधर्मा एन एशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। बच्चे एक कहानी है, एस्थेटिक क्या होता है, सेंट बच्चे, सेंट कह लो, प्रिस्ट कह लो, मोंग कह लो बच्चे। तो वो सन्यासी थे एक बोधिधर्मा, तो उनके बारे में एक कहानी है कि वो बहुत ही स्लीपी क्या करते थे बच्चे, नींद आती थी उनको जब भी वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन मतलब था भगवान में ध्यान लगाना। तो सेकंड कहानी में उन्होंने बताया बोधिधर्मा नाम के एक बेटा बुद्धिस्ट क्या थे बच्चे, सन्यासी थे, जिन्होंने अपनी आईलिड पलके ही काट ली थी बच्चे क्योंकि उनको बहुत नींद आती थी जब वो ध्यान करते थे। तो क्या हुआ बच्चे, 10
टी के प्लांट उनकी आईलिड से निकल आए, कि उनकी आईलिड्स क्या होती है बच्चे, जो पलके होती है उनसे ही उग गए टी प्लांट्स। एक ये कहानी भी फेमस है, थोड़ी सी फनी है सुनने में बच्चे, बट इसके बारे में बहुत सारे, क्या ये रियल भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत जगह लिखा गया है बुद्धिस्ट बुकों में, और एक मूवी भी है बच्चे साउथ इंडियन, आप देख सकते हो बोधि धर्मा के ऊपर। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड रंग बैनिश स्लीप, बैनिश का मतलब खत्म कर देना जो चीज हमें चाहिए ना हो, कि ये जो टी प्लांट था बच्चे इसकी लीव जब भी हम क्या हॉट वाटर में गर्म पानी में डालते थे और पीते थे तो वो क्या करती थी, स्लीप, नींद बिल्कुल भगा देती थी, जो ये चाय की पत्तियां होती थी। तो इस यूटिलाइजेशन में बच्चे ये आया, टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना राजवीर एडिड एज फार एज 2700 BC, इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी चाय चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहा है राजवीर, कह रहा है कि सबसे पहले चाइना में पी गई थी चाय बच्चे, और वो भी कब, इतने 2700 BC में, जितना पुराना इसका 2700 BC में पहली बार पी गई थी वहां पे। इनफैक्ट हालांकि जो ये वर्ड्स है टी चाय चीनी, ये भी कहां से आई है, चाइना में से आई है और चाइनीज वर्ड्स है बच्चे, इसका मतलब सबसे पहला टी का ओरिजिन कहां से बताया गया है, चाइना से बताया गया है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. Beverage क्या होता है, drink other than water, कि पानी के अलावा कुछ भी पीना बच्चे, तो normal सी drink कह सकते हो आप वो beverage। तो वो क्या कह रहे हैं, जो tea थी यूरोप में कब आई, 16th century में आई, और ये ज्यादातर दवाई के तौर पे ली जाती थी बच्चे, एक beverage की तौर पे, कि ऐसे ही नहीं पी लेते थे लोग, बस दवाई के रूप में इसे यूज किया जाता था यूरोप में बच्चे, और ये सब 16th century में आई यूरोप में, सबसे पहले आई चाइना में, देन यूरोप में आई बच्चे, और यूरोप में भी मेडिसिन की तरह यूज होती थी, एज अ बेवरेज यूज नहीं होती थी। ट्रेन क्लैटर्ड इन टू अ मारियाना जंक्शन, क्लैटर्ड का मतलब मेक अ कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड, कि जैसे ट्रेन की चुक 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 आवाज होती है ना बच्चे, तो वो ट्रेन फिर से आवाज करती हुई बच्चे मारियाना जंक्शन में पहुंच गई। मारियाना जंक्शन क्या है बच्चे, ये आसाम का मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे ये मारियाना जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेन पहुंच के रुक गई बच्चे। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जो बॉय थे बच्चे दोनों प्रंजल और राजवीर थे, उन्होंने अपना सामान उठाया बच्चे और बाहर निकले क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जिसका मतलब भीड़ भाड़ का प्लेटफॉर्म पे भीड़ होती है ना, तो बाहर निकले प्लेटफॉर्म पे। प्रंजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखे बारी द टी गार्डन मैनेज बाय प्रंजल्स फादर, प्रंजल्स बच्चे जो प्रंजल के माता पिता थे वो वेट कर रहे थे उनके लिए, और वो कहां पे फिर जल्दी चले गए देखी बारी की ओर मारियाना से। देखो आप मैम में देख रहे हो मारियाना से, ये आगे चल के क्या आता है, देखिए बारी, यहाँ पे उनका क्या था, टी प्लांट था जिसमें वो मैनेजर थे उसके फादर। एन आर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, वियर्ड का मतलब चेंज डायरेक्शन सडनली, की डायरेक्शन चेंज कर लेना एकदम, अब एकदम एक घंटे बाद एकदम कार ने क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करी, और बहुत ही इमीडिएटली बच्चे, इसका मतलब क्विकली उन्होंने चेंज की मेन रोड पे। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर, देखिए बारी टी एस्टेट, कैटल ब्रिज क्या होता है, ब्रिज ओवर अ डिच कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल मेटल बार्स डेट अलाउ व्हीकल टू पास, बच्चे देखो मेटल से बना हुआ कि एक व्हीकल एक ही बारी में निकला जाए, ये इससे बना हुआ पुल को क्या कहते हैं बच्चे, कैटल ब्रिज कहते हैं। तो ये मेनली कैटल के लिए होता है कि जो हल्का फुल्का इस पे लोग जाए, तो यहां से उन्होंने क्या किया बच्चे, डेकिया बारी की तरफ एंटर किया। ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी ब्रूसेस ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट, बच्चे ग्रेवल रोड क्या होता है, अनपेव्ड रोड, अभी बना नहीं हुआ, जैसे क्या मिट्टी मिट्टी है, रोडे वगैरह गिरे हुए हैं, तो ऐसे रोड को क्या बोलते हैं, ग्रेवल रोड बोलते हैं। प्रूंड का मतलब क्या होता है, ट्रिम अ ट्री बाय कटिंग अवे ओवरग्रोन ब्रांचेस और स्टेम, बच्चे ट्रिम का मतलब काटना, ट्री को काटना, कटाई करना बच्चे, ट्री को से बोलते हैं प्रूंड। तो वो कह रहे दोनों साइड जो ग्रेवल रोड था बच्चे, जो बना हुआ नहीं था, अनपेव्ड रोड था, उसके टी बुशेस फैली हुई थी एकर्स में, इसका मतलब बहुत दूर दूर तक बच्चे टी टी दिख रही थी, और जो कि प्रोन थी, कटाई हो रखी थी सेम हाइट पे, इसका मतलब सबकी सेम हाइट कर रखी थी वहां पे। द ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स,
बच्चे वो क्या कर रहे हैं, एप्रंस क्या होता है बच्चे, एक प्रोटेक्टिव गारमेंट होता है जो कि आगे पहनते हैं हम, देखो जैसे फोटो में देख रहे हो ये ऑरेंज ड्रेस है, ऑरेंज के आगे रेड कलर का इन्होंने क्या पहन रखा है, एप्रन पहन रखा है, और इस लेडी दूसरी लेडी ने भी पहन रखा है। ये किस लिए पहनते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका मतलब उनके कपड़े गंदे ना होए, इस उसके लिए आगे कपड़ा सा पहनते हैं बच्चे। स्प्राउटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, नई नई लीव्स निकलना बच्चे, जब वो स्प्राउट होती है नई नई लीव्स निकलती है उसमें सबसे ज्यादा टी की का स्वाद होता है, जब टी की नई जो पत्तियां निकलती है। वो कह रहे हैं कि ग्रुप पे टी प्लकर्स का बच्चे तोड़ने वाले का, उनके पीछे क्या है बैंबू बास्केट, बैंबू से बनी हुई बच्चे देखो जैसे इन्होंने लटका रखी है, पीछे बास्केट लगा रखी है, एप्रन पहन रखा है प्लास्टिक का बच्चे आगे की तरफ, जिससे उनके कपड़े गंदे ना हो बच्चे, और क्या घास वगैरह लगे जिससे उनके कपड़े भी नीट रहे, उनका काम भी बन जाए, और बच्चे न्यूली जो नई नई स्प्राउट लीव्स निकल रही है बच्चे उन्हें वो तोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए बच्चे आगे के लिए। तो ये बहुत ही बच्चे ज्यादा क्या होता है एक्सपेंसिव होता है ये प्रोसेस जो होता है बच्चे। प्रंजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रंजल के जो फादर थे बच्चे वो उन्होंने थोड़ा सा मंदा किया कि ट्रैक्टर जो आ रहा है उसको पास करने दे बच्चे और ट्रेली को, क्योंकि रोड जो छोटा था और अब एक व्हीकल एक ही टाइम पे जा सकता था, तो उन्होंने क्या कहा कि ट्रैक्टर को निकलने दे फिर हम चले जाएंगे। तो अब उन्होंने पहले ट्रैक्टर को जो ट्रेलिंग टी की लीव्स भर के लेके आ रहा था बच्चे, अंदर से जो क्या था बच्चे टी लीव्स से भर के लेके आ रहा था जो टी का खेत था उसे, उसको निकलने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश फॉर द स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क। बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि ये सेकंड फ्लश है, सेकंड फ्लश का मतलब होता है सेंड आउट फ्रेश शूट्स। मिस्टर बरुआ उसके फादर का नाम है बेटा, किसके प्रंजल के है, वो क्या है राजवीर क्या पूछ रहे हैं, ये सेकंड फ्लश है क्या, ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड। सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड क्या होता है बच्चे, एक बार पत्तिया तोड़ लेते हैं हम और दोबारा जब तोड़ते हैं तो उसे सेकंड फ्लश बोलते हैं या सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड बोलते हैं। तो पत्तिया जो होती है दो बार टूटती है एक प्लांट से, जो टी का प्लांट होता है, वो मिस्टर बरुआ से पूछ रहे हैं कि ये दूसरा है क्या। इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जून जुलाई यील्ड्स द बेस्ट टी, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, हाँ ये क्या मई से जुलाई जो होता है महीना इसमें बेस्ट टी निकलती है, और मेरे को लगता है तुम बहुत सारा होमवर्क करके आए हो आने से पहले, क्योंकि तुम्हें स्प्राउटिंग पीरियड वगैरह के बारे में सब कुछ पता है। तो वो हैरान भी है कि वो सब कुछ क्या करके आया है, सब कुछ बच्चे देखभाल के आए और पहले ही नॉलेज लेके आया है यहाँ पे आने से पहले बच्चे। तो वो क्या कह रहे हैं मई से जुलाई बेस्ट टी निकलती है, और मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा होमवर्क करके लाए हो कि टी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करके आए हो, पढ़ के आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ बरुआ जी क्या मैं पढ़ के आया हूँ, इसका नॉलेज लेके आया हूँ, बट मैं क्या आशा कर रहा है कि वो और भी ज्यादा सीख सके। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट बच्चे, थैंक्स फॉर